chemistry book 2 chapter number 10 last lecture ke andar hum logon ne alkyl halides ki reactivity khatam ki hai. Alkyl halides ki reactivity ke andar hum logon ne mukhtalif topics dekhe the. Hum logon ne start kiya tha bond energy se ke bond energy aur bond polarity kaise affect karti hai alkyl halides ki reactivity ko. फिर secondly उसके बाद फिर हम लोगों ने दो नए topics introduce किए थे, जिसमें एक था nucleophilicity कि अगर दो nucleophiles हैं तो उनमें से बेहतर nucleophile कौन सा है, और last topic हम लोगों ने देखा था फिर substrate effects, यानी जो आपका alkyl halide है उसकी जो geometry है वो भी affect करती है. तो ये substrate effects थे आपके पास, जिसमें एक living group था और एक alkyl halide की geometry थी. आज जो बेसिकली अब हमारा लेक्चर है ये हमारा बेस करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे ज़हन में ऐसे आता है लाइक कोई एक अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, हम उसमें कोई एक चीज़ डालेंगे, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, लाइक मैं एक ए बी इस तरह की कोई चीज डाल देता हूँ, एक पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये बी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है, और मेरे पास आर बी और साथ में एक्स ए एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास दो प्रोडक्ट्स होंगे और दो मेरे पास रिएक्टेंट्स होंगे. इस तरह की आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है. इन सब्स्टिट्यूशंस के अंदर जो सबसे काम की चीज अगर आप गौर करो, दो काम आपके लाजमी हो रहे हैं. एक तो ये जो आपका आर एक्स बॉन्ड है, यानी कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, हेलोजन ये कोई क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है. एक तो कार्बन का उसके साथ बॉन्ड ब्रेक होता है पहले, ठीक है, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए ऑफ कोर्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और सेकेंड स्टेप होता है कि एक नया बॉन्ड आपके पास बनता है, और वो होता है कार्बन का किसी न्यूक्लियोफाइल, लाइक इस केस में मैंने बी को न्यूक्लियोफाइल ट्रीट किया हुआ है, तो ये बॉन्ड बनता है और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है. तो एक बॉन्ड ब्रेकिंग है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन है. तो जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये वाले दो काम आपके पास होंगे, ठीक है. ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोसाइड, ठीक है, जो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है. ये एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है. सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं. तो ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, सब्स्टिट्यूटेड, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है. अल्कोहल ग्रुप जो है आके इस कॉर्नर पे आके अटैच हो गया, और आयोडीन जो है वो रिमूव हो गया. आयोडीन को हम, आयोडाइड को हम लिविंग ग्रुप बोलेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है. तो ये है आपके पास सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ये आपके पास फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने आपको बोला था कि इसको हम क्या बोलते हैं, एस एन रिएक्शंस. एस एन रिएक्शंस आपके पास दो टाइप्स के होते हैं. आपके पास एक कैटेगरी एस एन रिएक्शंस की एस एन वन रिएक्शंस, एंड एक है एस एन टू रिएक्शंस. टू रिएक्शंस आज के लेक्चर में हम बेसिकली एस एन टू रिएक्शंस कवर करेंगे. एस एन टू रिएक्शंस हम किन को बोलते हैं, ये नीचे आप देखो, ये इसका एक मैकेनिज्म है जनरल एस एन टू रिएक्शन का, कि एस एन टू रिएक्शन प्रोसीड कैसे करते हैं. एस एन टू रिएक्शन में ये होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये आके अटैक करता है कार्बन लोकेशन को, जो एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रही है. ये कार्बन एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया है बिकॉज यहाँ पे जो आयोडीन है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे इस तरफ को ड्रैग हुआ है इलेक्ट्रॉन पर. वैसे तो आयोडीन और कार्बन की एक जैसी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव इसको कह रहे हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन भी इफेक्ट होंगे. तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अटैक करेगा सबसे पहले स्टेप में इसको, ठीक है. अब एक तरीका तो हम यूज सोच सकते हैं ना, कि पहले हाइड्रोक्सिल उसको अटैक करे, ठीक है, और एक आपके पास इस तरह की स्टेट बने, यहां पे लिखा हुआ ट्रांजिशन स्टेट. और अभी तक मैं आपको यह कह दिया करता था कि इसको आप इंटरमीडिएट कह दो, कि ये इंटरमीडिएट स्टेप में आपके पास एक आयन बना है. एक्चुअली हम इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलते, इसको हम इंटरमीडिएट इस वजह से नहीं बोलते बिकॉज आपकी ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है
ये आपका साइमल्टेनियसली हो जाता है, साइमल्टेनियसली आपके ये दोनों स्टेप्स हो जाते हैं, यानी इस न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना और इस लिविंग ग्रुप का लीव होना, ये दोनों एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह की मैकेनिज्म्स को हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कंसर्टेड। तो ये कंसर्टेड मोशन हो रही है आपके पास, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड का मतलब यानी एट द सेम टाइम इन सिमेट्री, जो ही वो आएगा तो ये यहां से चला जाएगा। ठीक है, यानी अब ये जो ट्रांजिशन आपको दरमियान में नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बन जाएगा और आप फिर ट्रांजिशन स्टेट को अलग कर लोगे। ट्रांजिशन स्टेट आपको सिंपली ये बता रहा है कि जब ये आ रहा होगा और जब ये जा रहा होगा, तो देखो जब ये लेट से के इतने फासले पे होगा ना, तो ये भी इतने ही फासले पे होगा। इसके अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं ये किस तरह होगा, ये आपके पास एक हाइड्रोक्सिल है, ये आपके पास सी एच एच और एच, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, ये इसके लोन पेयर्स हो गए सारे। और होगा ये कि जब ये हाइड्रोक्सिल इसको अटैक करेगा ना, लेट से कि हाइड्रोक्सिल इससे आया इसके करीब आया, और लेट से कि हल्का सा उसने बॉन्ड बना लिया, तो जितना हाइड्रोक्सिल इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, उतना ही आयोडीन इसके साथ से बॉन्ड तोड़ भी चुका होगा उस वक्त तक। ठीक है, अगर इसने 2% अपना बॉन्ड बना लिया है, तो आयोडीन 2% तोड़ के 98% उसका बॉन्ड बाकी बच गया होगा। ठीक है, और लेट से कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 50% बॉन्ड अपना कंप्लीट कर चुका है इस कार्बन के साथ, तो फिर ये जो बाकी सी आई बॉन्ड है ये भी 50% ही बच चुका होगा। और जब हाइड्रोक्सिल आपका कंप्लीटली अटैच हो जाएगा 100%, तो उस वक्त आपका ये जो है ये 0% पे पहुंच चुका होगा, और सी आई बॉन्ड एग्जैक्टली टूट चुका होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये साइमल्टेनियसली एडिशन भी हो रही है एक न्यूक्लियोफाइल की, और उसी वक्त पे एक आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव भी कर रहा है। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो है एक ही स्टेप के अंदर बन जाता है, और ये आपका साथ लिविंग ग्रुप सेपरेट हो जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको ये बता रही है कि बीच में जो एक कोई एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों अटैच हुए हुए होते हैं, और दोनों 50-50% आप समझ लो कि इन दोनों की ये बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त इस पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ हुआ होता है, और उस वक्त इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे होते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्यों बोलते हैं इसको SN2, ये अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। SN2 रिएक्शन में बेसिकली आपके पास होता ये है, ये जो आपको कंपाउंड यहां पे नजर आ रहा है ना CH3, ये मैंने देखो लाइनें तीन इधर लगा दी हैं और एक यूं लगाई है। हालांकि मैंने इसको यूं क्यों नहीं बनाया, मैं इसको यूं भी तो बना सकता था ना। एक्चुअली ये यूं होता नहीं है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्पेस के अंदर अगर आप देखो ना इस मिथाइल आयोडाइड को, तो ये आपके पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स आपके पास कैसे होते हैं, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि लेट से ये और ये, यानी एक पिरामिड आप नीचे समझ लो कि इस तरह की एक चीज होती है, और ऊपर उसके एक लाइन निकली हुई होती है। और ये इस तरीके से होता है कि आप जिस मर्जी तीन लाइनों को नीचे की तरफ रख दो ना, आपका स्ट्रक्चर एक ही जैसा नजर आता है। ये चार इसकी आर्म्स होती हैं, अगर मैं इस वाली आर्म और इस वाली आर्म को नीचे रख दूं ना, तो फिर भी मुझे यही चीज नजर आएगी। ठीक है, और अगर मैं इस वाले को ऊपर कर दूं और इन तीन को नीचे कर दूं, तो फिर भी मुझे यही चीज नजर आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अभी जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, तो इसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है आपके पास, और कार्बन के सारे बॉन्ड जो हैं SP3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इस सिचुएशन में, मिथाइल आयोडाइड में। लेकिन जब इसके ऊपर ये हाइड्रोक्सिल अटैक कर देता है, इसके अटैक करने के बाद और जब ये आयोडीन थोड़ा थोड़ा रिमूव हो रहा है उसके बाद, अब ये SP3 नहीं रहता, अब ये होता है कि ये जो कार्बन के ये जो हाइड्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड्स है ना, ये अब सिग्मा ही रहते हैं, और ये वाले बॉन्ड्स अब पाए हो जाते हैं, और ये जो सिग्मा रहते हैं ये आपके पास SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। यानी कार्बन क्या करता है कि जो ही इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, एकदम कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर ही चेंज कर देता है, SP2 में चेंज हो जाता है। और जब ये SP2 में चेंज होता है, तो एक PZ ऐसा होता है, टू सेकेंड शेल का PZ ऑर्बिटल जो है ये आपका अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, और ये आपके पास वो होता है जिसके साथ OH और I आके अटैच और सेपरेट हो रहे होते हैं 2PZ के साथ। ठीक है, और SP2 से SP3 जो आपकी कन्वर्जन है,
ये भी उसी वक्त हो रही होती है जिस वक्त ये दोनों जुड़ रहे होते हैं और दोनों अलग हो रहे होते हैं। और जो ही आपका ये लिविंग ग्रुप बिल्कुल छोड़ चुका होता है ना, इसको अगेन आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको बातें बता दी। और SN2 रिएक्शन के बारे में स्पेशल क्या होता है, SN2 के बारे में अभी तक हम लोगों ने एक तो ये देखा ना कि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब यानी जिस वक्त वो आ रहा होता है एक, दूसरा उसी वक्त लीव कर रहा होता है कार्बन एटम को। ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली होता है। और साइमल्टेनियसली ही हमने दूसरा स्टेप देखा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चेंज हो जाती है कार्बन की। ठीक है, जिस कार्बन, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी जिसके साथ आपके पास पहले एक हैलाइडाइन लगा हुआ था। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास मोलेक्युलैरिटी। अब मोलेक्युलैरिटी आपके पास क्या चीज होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके पास जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपके पास जब इथीन्स के रिएक्शन हुआ करते थे और आपने इसमें लेट से HCl ऐड करना होता था, तो कैसे किया करते थे आप? आप कहते थे कि H पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन आके अटैक करेगा किसी एक कार्बन एटम को। ठीक है, और हम इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और फिर ये क्लोरीन आके दूसरे वाले के साथ अटैच हो जाएगा, और बल्कि क्लोरीन बाद में आके अटैक होगा, पहले ये होगा कि पहले आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका हुआ होगा और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स। तो ये जो स्टेप होता है इसको हम कहते हैं ये कार्बो कैटाइन बन गया, और ये कार्बो कैटाइन्स मार्कोनिकॉस प्रिंसिपल के मुताबिक बना करते हैं। और फिर दोबारा ये होता है कि अब ये जो ये वाला रीजन था ना, ये आके अटैक करता है इसको और आपके यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और अल्काइल हैलाइड बन जाता है आपके पास, यानी जो इस चैप्टर का नाम है बेसिकली यही चीज़ बन जाती है, यहाँ पे आके एक Cl आके अटैच हो जाता है। ठीक है, इसमें एक मजे की चीज आप ये देखो, दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। एक स्टेप है आपके पास ये और दूसरा स्टेप है आपके पास ये। ठीक है, आपके ख्याल में इनमें से कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा? ये जो पहला स्टेप है, इस स्टेप में ये हो रहा है कि एक अल्कीन जो है एक कार्बो कैटाइन में चेंज हो रहा है, और ये जो कार्बो कैटाइन होते हैं नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं बिकॉज इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है, तो एक स्टेबल चीज एक अनस्टेबल चीज में चेंज हो रही है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा ना ये स्टेप, यानी ये स्लो स्टेप होगा आपके पास, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्जन होगी। और सेकंड स्टेप में ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये फौरन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, और ये फौरन न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक कर देगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें फौरन रिएक्ट करेंगी आपस में, और ये सेकंड स्टेप फास्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली आपके जितने भी रिएक्शंस दो स्टेप्स के हों उनमें से कोई एक फास्ट स्लो होगा एक फास्ट होगा। लेट्स से कि इसमें आपके 9 सेकंड लगेंगे और इसमें आपका 9.3 सेकंड इसमें लगेंगे और 0.7 सेकंड इसमें लगेंगे, और टोटल रिएक्शन का टाइम है लेट्स से 10 सेकंड्स। अब हम इनमें से कहते हैं कि कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो रेट डिटर्मिनिंग होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ऐसा स्टेप जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन का रेट क्या है। ठीक है, तो वो ये ऊपर वाला स्टेप है, यानी नीचे वाले को अगर मैं भूल भी जाऊं ना, मैं समझूं कि नीचे वाला स्टेप है ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाले स्टेप को देख के मैं बता सकता हूं कि अंदाजन रिएक्शन का टाइम कितना होगा। ठीक है, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होता है वो बड़े काम का होता है। उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे कहते हैं कि वो उस जितने मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट बिहेव कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कि वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल रिएक्शंस के ऊपर। हमारा एक्चुअल केस ऐसा है कि इसमें आपके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल फॉर एग्जांपल अटैक करता है। कैसे अटैक करता है? एक ब्रोमीन और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपके पास इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, और अब इसमें इंटरेस्टिंगली मैं आपको पहले भी ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो ये किस लोकेशन पे करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको करता है, ये आपके सारे sp3 बॉन्ड्स है ना, sp3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, और इस तरह के चार बॉन्ड्स हैं, तो ये आपके पास कुछ ऐसे है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे है,
और ये कुछ ऐसे है, और चौथा वाला जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा यूं करके बना देता हूँ। चौथा वाला आपके पास ये है, इसको मैं बल्कि किसी और कलर से बनाता हूँ, ये ब्लू कलर से है। इसको आप देखो, ये आपके पास इस तरह की होगी लोब। जो इसकी बैक लोब है ना, ये पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ये जगह ऐसी है जहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस बैक लोब पे अटैक करेगा, ठीक है, और OH आके इस लोकेशन पे आके अटैच होना शुरू हो जाएगा, यानी सॉरी OH यहां पे आके अटैच होने लग जाएगा, जो बिल्कुल कार्बन की बैक लोब थी। और बाकी जो सी थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना, जो इसके साथ सी कह रहे हो, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए थे ना, वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपना स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था फौरन ही एकदम ही ये सारे काम इकट्ठे होने लग जाते हैं, ये एकदम अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लग जाएगा, और यहां से ब्रोमीन आपका आहिस्ता आहिस्ता दूर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितना हाइड्रोक्सिल करीब आएगा उतना ब्रोमीन आपका दूर जाना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ही OH उसके साथ अटैच हो चुका होगा और BR उससे दूर जा चुका होगा, ठीक है। और जब ये ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, उस वक्त इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, बिकॉज उस वक्त ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, मैक्सिमम अनस्टेबल जब ये ट्रांजिशन स्टेट में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्टेबलाइज करने लग जाएगा। और अगर एनर्जी डायग्राम अगर आप इस प्रोसेस की देखो, अब मैं आपको एनर्जी डायग्राम दिखाता हूं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये है आपके पास लेट से मिथाइल आयोडाइड, और इसके साथ आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन करवाने जा रहे हो। अब हाइड्रोक्सिल जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, तो पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा। देखो ये एनर्जी डायग्राम है, इसमें ऊपर जाने का मतलब है कि आप अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, और ये देखो ट्रांजिशन स्टेट जो है ये आपकी पार्शली अनस्टेबल है, और इसमें दोनों हाइड्रोक्सिल और आयोडीन दोनों अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। और एकदम ये हाइड्रोक्सिल मजीद करीब जाता रहेगा, और जितना हाइड्रोक्सिल आगे मजीद करीब जाएगा ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करता जाएगा, और फाइनली ये इस लोकेशन पे आ जाएगा जब हाइड्रोक्सिल बिल्कुल ही अटैच हो चुका होगा और आयोडीन बिल्कुल ही दूर हो चुका होगा। और अब देखो कि ओवरऑल यहां से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और यहां पे आ गया है, यानी ये ओवरऑल एनर्जी में डाउनफॉल आया है, ठीक है, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी कम है, आपके प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बना है, ये एनर्जी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अच्छा, मोलिकुलरिटी की हम बात कर रहे थे, ये जो प्रेजेंट रिएक्शन है इसके अंदर चूंकि एक ही तो स्टेप है, इसमें दो स्टेप्स तो नहीं है ना, ओनली सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो बजाते खुद यही होगा ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ था, ये जो हमने एक्सप्लेन किया यही तो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। इसको बल्कि ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ये बजाते खुद रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्योंकि एक ही रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस में आप देखो कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस स्टेप की या इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है, टू, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू टू। और सेकेंडली इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वहां से अगर आप रेट निकालो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इसका साइंटिफिकली पता चलाया गया है कि जितना आप ज्यादा करोगे ना कंसंट्रेशन को अल्काइल ग्रुप की, अल्काइल हेलाइड, एक आपके पास अल्काइल हेलाइड होता है इसमें, ये अगर आप ऊपर जाके देखो आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्काइल हेलाइड और दूसरा होता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर मैं अल्काइल हेलाइड को ज्यादा करूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और हमें इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ाना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 एक ग्लास है, जस्ट समझाने के लिए मैं बात आपको कह रहा हूं, एक ग्लास के अंदर आपने अल्काइल हेलाइड के 20 मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, ठीक है, और आपने उसी ग्लास के अंदर न्यूक्लियोफाइल के 10 मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, तो वो 10 न्यूक्लियोफाइल्स इन 20 मॉलिक्यूल्स के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकते ना, जितने न्यूक्लियोफाइल्स होंगे उतने ही आपके पास अल्काइल हेलाइड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। उसकी वजह क्योंकि एट द सेम टाइम ये प्रोसेस चल रहा होता है, यानी जब न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है
एक वक्त में एक न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा और एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जितने आपके पास न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होने होते हैं उतने आपके पास अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होने चाहिए, और इस तरीके से जो रिएक्शन का रेट है ना, यानी कितना स्लो या फास्ट हो रहा है रिएक्शन, वो इन दोनों के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन, इफ यू रिमेंबर, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स पाए जाते हैं, इस चीज को, उस चीज की कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलरिटी और रेट। रेट के अंदर, रेट की अगर एग्जैक्ट इक्वेशन बनाई जाए ना, तो वो अगर इज इक्वल टू, आप साइन लगा रहे हो तो आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो ये रेट कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन है, ये तो आपके समझ आ रही होगी। ये के आर जो चीज है, ये क्या चीज है, आपको अगर रिकॉल करो जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी एक चीज जिसको मैंने नाम दिया था न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कोई चीज अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बुरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर तो कोई चीज बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये के आर बहुत ही ज्यादा होगा, और अगर चीज बुरी न्यूक्लियोफाइल है तो ये के आर की वैल्यू कम होगी। तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक कांस्टेंट भी कह सकते हो या आप इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हो, ठीक है। और ये जो आपकी रेट इक्वेशन है, इसका ऑर्डर अगर आप देखो, रेट इक्वेशन का यहां पे वन एंड यहां पे वन, ठीक है। तो टोटल जो रेट है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है कि जितनी भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स हैं उनको आप ऐड कर देते हो, तो वन प्लस वन आपके पास टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है। तो आपके पास SN2 रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टू होता है, और इसमें दो ही आपके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, तो इस वजह से इसका ये टू हो जाता है। यही रीजन है कि इसको हम SN2 बोलते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूलर, इसका नाम ही यही है, बायोमोलिक्यूलर, बिकॉज इसमें दो मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप में होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और इसमें दो मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दैट इज इट आई गेस। इसके बाद एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है, SN2 मैकेनिज्म ये कब होल्ड करता है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में होल्ड करता है, प्राइमरी हैलाइड्स के केस में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अगर तो आपका सेकेंडरी या टर्शरी, बल्कि अगर इन पर्टिकुलर अगर मैं टर्शरी की बात करूं ना, तो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि आपके पास स्टेरिक इफेक्ट्स होते हैं, और सबस्ट्रेट स्टेरिक इफेक्ट्स की वजह से यह होता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो इस तरीके से SN2 मैकेनिज्म कर ही नहीं सकते। SN2 इस वजह से नहीं कर सकते कि उनका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें हर साइड से तो कवर्ड होता है। अब अगर वो जो कोई चीज अटैक कर रही है न्यूक्लियोफाइल, लेट से इस कार्बन को, तो वो किस साइड से करे, हर साइड से तो ये कार्बन कवर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से टर्शरी जो होते हैं उनके अंदर SN2 मैकेनिज्म नहीं फॉलो होता, बल्कि उसमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होता है जो कि SN1 या बीटा एलिमिनेशन कहलाता है, और वो जो रिएक्शन है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हम दो तीन एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, बल्कि मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखा देता हूं, चार्ट क्या आपके पास, एक पूरा चार्ट या टेबल टाइप चीज है। इसमें आप देखो, आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ अल्काइल हैलाइड्स के साथ न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर रहे हैं इनको, आयोडाइड है, हाइड्रोक्सिल है, अल्कोक्सी है आपके पास, और थायोल ग्रुप है आपके पास, और मरकैप्टो ग्रुप, एंड देन अमीन ग्रुप, और देन ये मुख्तलिफ आपके पास ग्रुप्स हैं। आप देखो आपके हिसाब से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और इन सारों के अंदर आप देख सकते हो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। यहां पे बना हुआ नहीं है अलबत्ता, इन सब के अंदर SN2 होगा, बिकॉज ये सारे के सारे जितने भी हैं ये RX फॉर्म के हैं, और R इसमें आपके पास एक अल्काइल चेन है, बट यू आर नॉट पर्टिकुलरली श्योर कि ये जो R है ये अल्काइल है या नहीं है, मतलब अल्काइल ये प्राइमरी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये R ऐसी भी तो चीज हो सकती है, ठीक है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आपके पास टर्शरी प्रोडक्ट बनेगा। तो जरूरी नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं SN2, ये SN1 भी हो सकता है मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन एक चीज तो फॉर श्योर है कि ये SN
रिएक्शन सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। और एस एन वन है या टू है वो डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी की सिचुएशन है, सेकेंडरी की है या टर्शरी की सिचुएशन है। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एस एन वन मैकेनिज्म देखेंगे कि वो किस तरीके से प्रोसीड करता है।